तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो गंगा तंत्र, हेडिंग लिखनी है गंगा तंत्र, गंगा नदी के बारे में। गंगा तंत्र, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं लगातार, ठीक है। क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। गंगा गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। एग्जाम में पूछी जाती है गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम भारत में है वो सबसे बड़ी नदी है गंगा, और जिसका उद्गम भारत से बाहर है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि वो है आपकी 2900 किलोमीटर लंबी और ये है आपकी 2525 किलोमीटर लंबी। सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम की अगर बात करें तो कहाँ से इसका उद्गम हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम देख के चले, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो आपका ये हुआ है आपको उत्तरकाशी जिला, यहाँ पर उत्तरकाशी जिला है, देखो ये आपको ये उत्तरकाशी जिला है जहाँ मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये आपको उत्तरकाशी जिला। तो ध्यान दीजिएगा गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी, समझना है केवल पहले समझना है और कुछ नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी। या बिल्कुल इसी तरीके से आप चित्र बनाते चले, मतलब फिगर को इसी तरीके से बनाए जैसे मैं बना रहा हूँ, लिखवा मैं इसको बाद में भी दूंगा, ठीक है, लेकिन फिगर ऐसा ही बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसे लिखिए कि उत्तराखंड, भाई ये तो क्लियर हो गई किस राज्य से निकली है, गंगा नदी उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, ध्यान रखना है उत्तराखंड के भी कहाँ से निकली है, उत्तरकाशी जिले, ठीक है, पॉइंट उत्तरकाशी जिले से निकली है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, बस यही पूछा जाएगा कि भाई गंगा नदी किस राज्य से निकली है, उत्तराखंड से निकली है, किस जिले से निकली है, उत्तरकाशी जिले से निकली है, बस इतना पूछ लिया जाएगा, यहाँ तक तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तरकाशी जिले के निकट गौमुख, गंगोत्री, हिमानी, ऐसा कह सकते हैं गौमुख या गंगोत्री हिमानी, यहाँ से भी कहाँ से गौमुख, गौमुख से निकली है। ये आपकी गौमुख से निकली है, यहाँ से यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी, कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकली है, क्लियर। उत्तरकाशी जिले से निकली है अगर पूछ ले, वैसे गौमुख के निकट गंगोत्री से निकली है या गौमुख से निकली है, क्लियर, ऐसा पूछा जा सकता है। उसके बाद गंगा नदी कुमाऊं हिमालय और बृहद हिमालय से निकली है, मतलब कि हम इसे ये कह सकते हैं, जब हम हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय वाला टॉपिक, ये पूरा वाला हिमालय जब हम पढ़ेंगे तो सबसे हमारे हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, जो सबसे ऊपर का हिमालय होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद का जो हिमालय है उसे हम कहते हैं बृहद हिमालय, या फिर उसे महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, क्लियर। उसके बाद का जो होता है लघु या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय कहते हैं, और सबसे बाद का होता है शिवालिक हिमालय, क्लियर। तो गंगा नदी जो निकली है वो किस हिमालय से निकली है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, तो याद रखना है ये बृहद हिमालय से निकली है, बृहद या महान हिमालय, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बृहद या, दोनों नाम याद रखने, बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय से निकली है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किस हिमालय से निकली है, बृहद या महान हिमालय से निकली है, ऐसे ही निकल गई है, ठीक है। वही
अगर हम उत्तराखंड से, चूंकि हमें मालूम है कि उत्तराखंड से निकल गई, ठीक, और उत्तराखंड वाला सेक्शन आता है आपका कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत कुमाऊं हिमालय, तो ये कुमाऊं हिमालय से भी निकली है, याद रखना है, दोनों क्वेश्चन को हमें याद रख के चलना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे बन जाएंगे हिमालय, क्लियर। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, ध्यान रखना है, गंगा नदी कहाँ से निकली, उत्तराखंड कहाँ से निकली है, उत्तरकाशी, क्लियर, और उत्तरकाशी के भी गौमुख या गंगोत्री से निकली है, क्लियर। और अगर हिमालय की बात आएगी तो या तो बृहद हिमालय पूछा जाएगा एग्जाम में, बृहद हिमालय को ही हम महाहिमालय भी कहते हैं। इसके बाद अगर ये दो प्रकार से बटे हुए हिमालय हैं, कभी मैं हिमालय की जब क्लास करा रहा हूँ इस चीज़ को जब क्लियर करूँगा, ठीक है। और वैसे आपका चूंकि उत्तराखंड वाला इलाका कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये कुमाऊं हिमालय से ऐसा भी याद रखते हैं, क्लियर। उसके बाद जहाँ से ये निकलती है वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भाई साहब याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ से निकलती है वहाँ किस नाम से जानी जाती है, मतलब जहाँ से ये यहाँ से गौमुख से अगर निकली है, यहाँ से ये निकली है तो यहाँ पर किस नाम से जानी गई है, भागीरथी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जहाँ से निकली है वहाँ किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जहाँ से निकली है वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है, क्लियर। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा कहलाती है, ध्यान रखना है, जहाँ से निकली थी वहाँ तो भागीरथी के नाम से जानी गई, एक एक पॉइंट को समझ के चलना है, जहाँ से निकली थी वहाँ तो भागीरथी के नाम से जानी गई, क्लियर। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ध्यान रखना ये जगह है उत्तराखंड के देवप्रयाग में, देवप्रयाग, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कहाँ ये गंगा कहाँ कहलाती है ये, क्योंकि वहां तो ये भागीरथी के नाम से नाम निकली थी, ठीक, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी, क्लियर। और एक इधर से आके एक धारा और मिल जाती है जिसका नाम है अलकनंदा, तो जैसे ही ये अलकनंदा यहाँ मिलती है, अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी जैसे ही मिल जाती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, याद रखना, देवप्रयाग में जैसे ही यहाँ मिलती है तो यहाँ ये किस नाम से जानी गई, यहाँ ये गंगा के नाम से जानी गई, यहाँ से गंगा स्टार्ट थी आप, बात को समझ के चलिए, ठीक, मतलब कि गंगा जहाँ से निकली थी गौमुख से गंगोत्री से वहां तो इसका नाम था भागीरथी, लेकिन भागीरथी के नाम से आगे चलने के बाद एक इधर से एक धारा मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और जैसे ही अलकनंदा मिल जाती है तब ये क्या बन जाती है आपकी, यहाँ पर गंगा बन जाती है, यहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं एग्जाम में, किन दो धाराओं से मिलकर गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, चूंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, किस स्थान पर गंगा बनती है, देवप्रयाग उत्तराखंड, ध्यान रखना है, देवप्रयाग उत्तराखंड में ये गंगा बन जाती है। तो यहाँ तक कुछ हद तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्लियर। हालांकि अलकनंदा जो थी इसका उद्गम सतोपंत हिमानी में है, ध्यान रखना है, ये जो अलकनंदा है इसका उद्गम हुआ था आपका सतोपंत हिमानी, उसका नाम था कौन सा स्थान का नाम क्या है उसका, जहां से अलकनंदा का उद्गम हुआ, सतोपंत हिमानी, मतलब कि जहां ये जो सतोपंत हिमानी है ये अलकनंदा का उद्गम है, जहां से अलकनंदा चली थी, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ पूछ लिया जाएगा, कहाँ पर है सतोपंत हिमानी है, ये भी वही है उत्तराखंड, ठीक। और अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। विष्णु प्रयाग एक जगह है
और इसकी अलकनंदा की जो दो धाराएं जो निकल कर आई थी वो विष्णुप्रयाग के निकट मिल जाती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि ये जो अलकनंदा थी इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये पूछा जा सकता है। ये अलकनंदा का उद्गम हुआ था आपका हिमानी सतोपन, ये क्वेश्चन क्लियर। क्योंकि अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही क्या बनी थी, गंगा। दूसरा फैक्ट यहाँ से कहाँ मिलकर गंगा बनी, देवप्रयाग उत्तराखंड। अगर अलकनंदा देखो इसकी तो हमें मालूम है कि भागीरथी गौमुख से ही निकली है, गंगा जो है भागीरथी के नाम से स्टार्ट से निकली, क्लियर। लेकिन ये तो अलकनंदा थी ये कहाँ से निकली है, ये निकली है आपकी हिमानी सतोपन, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और अलकनंदा की दो धाराएं हैं जो याद रखनी है, धौली गंगा व विष्णु गंगा, ये विष्णुप्रयाग के निकट ये भी मिल जाती है, ठीक है। हालांकि ये पिंडा नदी भी है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, क्लियर। एक पिंडार नदी है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक। जबकि उसके बाद मंदाग्नि रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से मिलती है, ये मैं लिखा दूंगा सब चीज, ठीक है। हाँ तो इसके बाद क्या है, देखिए पहले पूरा सेक्शन को एक बार समझ लें। अलकनंदा की जो दो धाराएं हैं इसकी कौन कौन सी हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये गंगा विष्णु प्रयाग के निकट मिलती है, ठीक। हालांकि जबकि पिंडार नदी है एक जो कर्णप्रयाग में, ये भी अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक। उसके बाद जबकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से मिलती है, इसका मतलब मंदाकिनी और बाद में अलकनंदा भी मिल जाती हैं, समझ के चलिए। लास्ट में आगे क्या हुआ, मंदाकिनी और अलकनंदा भी मिलती हैं, यहाँ पर पीछे ये मिल जाती है, ये अलकनंदा गंगा नदी में मिलने से पहले भी मिल जाती है, किससे मिलती है, अभी मैंने बताया अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, पूछा जा सकता है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये भी मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी हाँ जी ये पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ मिली थी ये पहले ही। और अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपकी देवप्रयाग, नहीं सॉरी रुद्रप्रयाग, ये मिलती थी आपकी रुद्रप्रयाग, ठीक। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग। अगर एग्जाम में पूछा जाए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, तो ये पूछा जाएगा देवप्रयाग। पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलिए, यहाँ से मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। हालांकि मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में ऊपर ही मिल गई थी, फिर इसकी मुख्य धारा आकर भागीरथी में मिल गई, तो बस यहाँ से यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पूछा जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग। अगर पूछा जाए अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग, गंगा यहाँ इस तरीके से मिल गई, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखना है, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, ध्यान रखना है गंगा नदी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार से, देखो यहाँ से हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं पॉइंट लगा के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है मैदानी भागों में प्रवेश, यहाँ से क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, ये मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश की गंगा, हरिद्वार, तो उत्तराखंड के हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गंगा नदी ने किस उत्तराखंड में किसके रास्ते मैदानी भागों में प्रवेश किया, तो हरिद्वार के रास्ते मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्लियर। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से बिजनौर में प्रवेश कर रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, यूपी में किस जिले में प्रवेश किया इसने, तो भाई साहब बिजनौर में प्रवेश किया इसने, ध्यान रख के चलना है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हालांकि ये मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करना शुरू कर दिया, हरिद्वार उत्तराखंड से ही, मतलब कि हरिद्वार उत्तराखंड से ही इसने प्रवेश करना शुरू कर दिया था,
लेकिन यूपी में इसने कहाँ पर प्रवेश किया गंगा ने? बिजनौर। बिजनौर में प्रवेश किया। तो यहाँ से क्वेश्चनों की रेल लगी हुई है, अभी ऊपर से नीचे तक क्लियर पूछे जा सकते हैं सारे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए इसमें दाई ओर से कुछ गंगा नदी में सहायक नदियाँ मिलती हैं और बाई तरफ फैक्ट को समझिए, सहायक नदियाँ होती हैं, असिस्टेंट रिवर जैसे हम बोलते हैं, क्लियर। सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो अपना जल एक बड़ी नदियों में गिराती हैं, वो सहायक नदियाँ होती हैं, क्लियर। तो गंगा नदी का क्या है, जैसे ही गंगा नदी इस तरीके से प्रवेश कर बिजनौर में और इस तरीके से बहती हुई यूपी में बहती है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में, तो अगर हम देखें, अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ से इस तरीके से बिजनौर में प्रवेश करती हुई इस तरीके से यूपी में बहती है, क्लियर। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही है कि यूपी में कहाँ पर प्रवेश की? बिजनौर में, क्लियर। अब इसमें कुछ नदियाँ दाईं तरफ से मिलेंगी और कुछ नदियाँ बाईं तरफ से मिलेंगी, हालांकि दोनों ही सहायक नदियाँ होंगी। पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा ही है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बहती है। ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। 2525 किलोमीटर के साथ, और भाई साहब इस 2525 किलोमीटर में से ये यूपी में सबसे अधिक दूरी तय करती है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा ही है। क्यों? क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2525 में से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2525 किलोमीटर में से, तो हमें इस बात को कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है एग्जाम में पूछा जाता है? तो याद रखिए गंगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, याद रखनी है, क्लियर। और ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 है, क्लियर, पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कुछ नदियां दाईं तरफ से भी मिलती हैं और कुछ नदियां बाईं तरफ से भी मिलती हैं। तो देखिए जैसे ही आप देखेंगे, अगर कोई नदी इस तरीके से बहकर आ रही है, आप देख रहे होंगे, मान के चलिए गंगा की धारा, तो इसकी ये वाली साइड कौन सी बैठेगी आपकी? लेफ्ट या फिर बायां, क्लियर। और ये वाली साइड कौन सी बैठेगी? राइट या फिर दायां, यही तो है। वही इसी तरीके से यहाँ पर बहती आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पर ये बहती आ रही है, देखो ये बहती आ रही है यहाँ पर, ये चल रही है यहाँ पर गंगा, इस तरीके से आ रही है, क्लियर। तो याद रखना है कि दाईं तरफ से जो मिलती हैं, दायां मतलब राइट, दाईं तरफ से जो मिलती हैं, है ना, दाईं तरफ से जो मिलती हैं आपकी यमुना, जो कि सबसे पहले मिलती है यमुना, टोंस, सोन, ध्यान रखनी है यमुना, टोंस और सोन। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार इस तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से मिलती है, दाएं तरफ से, तो याद रखना इस साइड से अगर मिलने वाली है तो एक तो है यमुना, आप जानते होंगे यमुना इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, यमुना इसलिए तो संगम होता है वहाँ पर प्रयागराज, क्लियर। तो राइट से कौन सी मिलती है? यमुना। एक मिलती है आपकी टोंस, एक टोंस, इसका मतलब ये गंगा की सहायक नदी हुई, समझ रहे हैं, ठीक। और एक नदी मिलती है राइट साइड से ही, दाएं साइड से ही जाके, यमुना, टोंस और सोन, ध्यान रखना है ये आपकी राइट साइड से मिलती है गंगा में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी गंगा में दाएं तरफ से नहीं मिलती? क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ए यमुना, बी टोंस, सी सोन और डी दे दिया जाएगा रामगंगा। हालांकि रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है लेकिन वो बाईं तरफ से मिलती है, इसलिए उसका आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा? रामगंगा।
फिर से सुनिए किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी गंगा नदी में दाई तरफ से नहीं मिलती। तीनों के तीनों ऑप्शन में होंगे, ए यमुना, बी टॉम्स, सी सोन और डी दे दी जाएगी कोसी नदी। मान के चलो कोसी दे दिया जाएगा, जबकि कोसी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की, लेकिन वो बाई तरफ से मिलती है ना कि दाई। ध्यान रखना ये पॉइंट, यमुना टॉम्स और सोन ये तो ये नदियां हैं जो गंगा में किस तरफ से मिलती हैं, दाई तरफ से। तो बाई तरफ से मिलने वाली नदियां भी देख लीजिए, और ये तो याद रखनी रखनी है, बाई तरफ से मिलती है रामगंगा, वरुणा, गोमती। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ रामगंगा, रामगंगा, वरुणा, गोमती। गोमती नदी का नाम सुना होगा, जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी जिसे बिहार का सोख कहा जाता है ना। ध्यान दीजिए, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, महानंदा, ये जितनी भी नदियां हैं ये सहायक नदियां तो हैं गंगा की, लेकिन ये बाईं तरफ से गंगा में मिलती हैं। ये बात याद रख के चलिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन। चल पहले तो हमें ये बात देखने के साथ क्लियर हो गई कि हाँ गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, टॉम्स भी, सोन भी, रामगंगा भी, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए ये जितनी भी नदियां हैं ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं आपकी, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। लेकिन जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं राइट साइड से, वो यमुना, टॉम्स और सोन हैं, जो हमें याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी और किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार से इतना याद रखना है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, जब ये उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में इसकी हाइट कितनी है कभी पूछ ले, तो 445। बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, तो बिहार में इसकी लंबाई है कितनी, 445। तो बिहार के रास्ते ये कहाँ पर प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है कहाँ पर प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में। बिहार के बाद ये पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, तो पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 520। याद रखना है पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई कितनी है, 520। कुल मिलाकर अगर हम देखें सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ थी इसकी, आपकी वहीं पर थी, हाँ उत्तर प्रदेश में, क्लियर। उसके बाद जब ये पश्चिम, ये वहां पर पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ध्यान रखना यहाँ से है, जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी व हुगली दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब पश्चिम बंगाल में ये मान के चलो यहाँ पर पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, क्लियर, तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये दो धाराओं में विभक्त हुई। अगर नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं तो वो एक ही धारा समझते हैं इसकी। यहाँ से ये दो धाराओं में विभक्त होगी, एक का नाम तो था हुगली, एक का नाम था हुगली, तो कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा हुगली किस नदी से निकली है, हुगली गंगा से ही निकली, क्लियर। एक का नाम था हुगली और दूसरी मुख्य धारा जो थी, जो मुख्य धारा है इसकी गंगा की मेन धारा, वो भागीरथी के नाम से विभक्त होगी, भागीरथी।
यही स्टूडेंट तो ये कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि यहाँ भागीरथी कैसा आया, जबकि भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही देवप्रयाग में क्या बनी थी, गंगा। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ भागीरथी कैसा आया, तो ध्यान रखना है अलकनंदा और आपका भागीरथी मिलके ही गंगा बनी थी देवप्रयाग में, ठीक। लेकिन यहाँ भी बात याद रखनी है, तो क्लियर रखिए कि जैसे बिहार के बाद जैसे इसने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया, ध्यान देने बात योग्य बात है, तो ये फिर दो भागों में बटी पश्चिम बंगाल में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में गंगा दो धाराओं में विभक्त हुई, तो पश्चिम बंगाल में हो गई एक हुगली के नाम से, ठीक, और एक मुख्य धारा जो थी वो भागीरथी के नाम से, ठीक। हालांकि हुगली ने क्या काम किया, पश्चिम बंगाल के रास्ते और कोलकाता बंदरगाह भी हुगली नदी पर ही है, क्लियर। तो हुगली तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई, इधर से बंगाल की खाड़ी में जाकर हुगली यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ये मान यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर गई। जो इसकी मुख्य धारा थी जिसका नाम क्या था, भागीरथी, भागीरथी जो थी वो मुख्य धारा भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब बांग्लादेश में गंगा ने प्रवेश किया तो उनका नाम, उसका नाम क्या था, तो भागीरथी के नाम से ही बांग्लादेश में गंगा अंदर गई, ये बात ध्यान रखनी है। भागीरथी के नाम से ही गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश की, बांग्लादेश। क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी ने बांग्लादेश में जब प्रवेश किया तो वह किस नाम से जानी गई, मतलब किस नाम से प्रवेश किया, तो याद रखना है कि भागीरथी के नाम से, गंगा नदी ने भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश किया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। लेकिन इसे वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है, जानते ही होंगे क्यों जाना जाता पद्मा के नाम से। देखो जैसे ही आपकी ये जो भागीरथी थी उधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही इसमें मिल जाती है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है वहां पर, है ना भाई, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही इसमें मिल जाती है तब इसे किस नाम से जाना गया वहां पर, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जो ऊपर से आई थी गंगा में, इसमें भागीरथी में मिलने के बाद तब इसे वहां पर बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तो जमुना के नाम से जाना गया, लेकिन जब यही मुख्य धारा यहाँ मिलने के बाद और आगे चली गंगा की, है ना, तो फिर यहाँ पहुंचने के बाद एक जो धारा थी जिसका नाम था तिस्ता, नहीं सॉरी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे ही बांग्लादेश में गंगा से मिली तो इसको किस नाम से जाना गया, इसको जाना गया पद्मा के नाम से, पद्मा। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता, पद्मा, ठीक। और जैसे ही यह पद्मा के नाम से जानी गई तो उसके बाद ये जब जैसे ही आगे चलती है तो इधर से एक छोटी सी धारा आती है और जिसका नाम है मेघना, और मेघना जो धारा है यहाँ मेघना मिलने के बाद और ये मेघना के नाम से कहाँ गिरती है, खाड़ी में गिर जाती है, और इधर आपकी हुगली गिर रही है और इधर आपकी कौन सी गिर रही है, मेघना। क्लियर, जैसा कि आप सब जानते होंगे यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है यहाँ पर इस तरीके का डेल्टा होता है कुछ कुछ त्रिभुजाकार आकृति, क्लियर, इसे डेल्टा कहते हैं त्रिभुजाकार आकृति, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो ये जानिए डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदियाँ ऊपर से अवसाद बहा कर लाती हैं कूड़ा करकट वगैरह तो अपने मुहाने पर वो एक इकट्ठा कर देती हैं अवसाद जहाँ वो अपना पानी गिराती हैं, तो वहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, वहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है और उस त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहते हैं हम, डेल्टा। और डेल्टा के नामांकन करता थे हेरोडोटस, ठीक है, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी थे, ध्यान रखना इतिहास के पिता, क्लियर। तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यही है, ठीक।
अब यहाँ से क्या हो सुंदरबन का डेल्टा ठीक। अच्छा क्यों प्रसिद्ध है ये सुंदरबन का, इसका डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? बात ये आती है इस डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान दीजिए सुंदरबन, सुंदरबन के डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है। सुंदरबन के डेल्टा के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को। क्लियर? जैसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इस डेल्टा पर सुंदरी नाम के वृक्ष काफी अधिक मात्रा में या अधिकांश देखे जाते हैं। ध्यान दीजिए इस डेल्टा पर काफी अधिक मात्रा में सुंदरी नाम के वृक्ष देखे जाते हैं, इसी कारण क्या है इसका नाम क्या पड़ा सुंदरबन का डेल्टा। ये वही सुंदरी वृक्ष है। ध्यान दीजिए जब मैंने आपको ज्वारीय वन पढ़ाए थे वनस्पति वाले टॉपिक में, ज्वारीय वन जो कि कहाँ मिलते हैं मुहाने पर है ना, डेल्टाई क्षेत्रों में वही ज्वारीय वन जो कि भूमि के कटाव को रोकते हैं। क्लियर? और जहाँ पर ज्वारीय वन में आपको मैंने बताया नहीं था कि जहाँ पर ज्वारीय वन, अच्छा ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं मैंने उस दिन भी बताया, एक छोटा सा पॉइंट फिर बताऊंगा। जैसा कि जहाँ नदियाँ अपना सादा ताज़ा पानी समुद्र में डालती हैं, ऐसा स्थान जहाँ नदियाँ अपना ताज़ा पानी समुद्र में डालती हैं उस स्थान पर कौन से वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। तो सुंदर वन जो है, जो सुंदरी वृक्ष हैं, वो ज्वारीय वन का ही एग्जाम्पल भी है या ज्वारीय वन का ही उदाहरण है। ठीक, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा सुंदर वन का डेल्टा। दूसरी बात, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है सुंदर वन के डेल्टा के, अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुंदर वन के डेल्टा के दाई तरफ कौन सी नदी गिरती है? तो यहाँ देख रहे हैं हम हुगली नदी गिरती है, और सुंदरबन के डेल्टा के बाईं तरफ कौन सी नदी गिरती है? मेघना नदी गिरती है। कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों के बीच है? हुगली नदी और मेघना। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों के बीच है? इन दो नदियों के बीच है, तो इधर मेघना गिर रही है और इधर कौन सी गिर रही है? हुगली। तो हम कह सकते हैं कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो मेघना और हुगली नदी के बीच है। क्लियर हुआ इतना? तो मेरे हिसाब से टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। क्लियर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।